मैं हूं सुनीता शाह के सुनीता क्रिएशंस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूं आलू वड़ा रेसिपी। इसको कुछ नए तरीके से बनाना बताऊंगी, आइए देख लीजिए इसकी रेसिपी। आइए मैं आपको बताती हूं इसमें कौन सी सामग्री लगेगी। ये मैंने हरी मिर्च ली है, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अजवाइन, ये सरसों के दाने हैं, नमक स्वाद अनुसार है, एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, आधा कटोरी मैंने तेल लिया है, और ये दो बड़े आलू मैंने किसके लिए हैं, ये कटा हुआ धनिया है, एक बड़ा प्याज मैंने काट के रखा है, ये चाट मसाला है, ये कसूरी मेथी है, और ये घोल बनाने के लिए पानी। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई पे रखा ना, ये देखिए ये मैंने दो चम्मच तेल लिया है, तेल गरम हो गया है, इसमें ये राई के दाने, ये जीरा, ये थोड़ी सी हरी मिर्ची, और ये कटा हुआ प्याज डाल देंगे, और इसको थोड़ा हल्का गोल्डन होने तक सेक लेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और ये आलू का पेस्ट डाल देंगे, इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये चाट मसाला डाल देंगे। ये देखिए मसाला अपना बन के रेडी है, इसको बंद कर देंगे गैस को। इसमें थोड़ा सा धनिया और ये क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब आलू बड़े के लिए ये बेसन का पेस्ट बनाना है, घोल बना के तैयार करना है। आइए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। ये मैंने बेसन लिया है आधा कटोरी, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तैयार करते हैं। ये देखिए मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है, और ये अपना जो मैंने आलू का पेस्ट बनाया था ये भी ठंडा हो गया है। अब इसको थोड़ी छोटी छोटी लोइयां बनाना है इसकी। ये देखिए मैंने इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लिया है, और ये अब पैन जो मैंने लिया था उसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और इसको गर्म होने रख दिया है। अब ये बॉल को इसमें पेस्ट में डाल के इसमें सिकने के लिए रखेंगे। देख लीजिए आप, ये देखिए मैंने ये आलू बड़े इसमें पैन में डाल दिए हैं, और इनको एक दो मिनट के लिए ढक देते हैं और पकने देते हैं। ये देखिए एक साइड ये सिक गए हैं, इनको पलट देते हैं, दूसरी साइड भी गोल्डन हो जाए जब तक इनको सेक लीजिए। ये देखिए आलू बड़े अपने सिक के रेडी हो गए हैं, इनको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए आलू बड़े बनके तैयार हैं, इसे सॉस के साथ खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।